प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज थी बे दिवसना गुजरात प्रवासे साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव में लेशे भाग। रिवरफ्रंट पर 7,500 महिलाओं एक साथ कांचे चरखो तो अमदावाद में साबरमती नदी पर 74 करोड़ खर्चे बनेला आइकॉनिक अटल फूट ओवर ब्रिज नु करशे लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रवासना बीजे दिवस आवतीकाले भूज खाते स्मृतिवन मेमोरियल करशे लोकार्पण। वर्ष 2001 भूकंप बाद विकास अने कच्छनी खुमारी ने समर्पित छे स्मृतिवन। प्रधानमंत्री कच्छ जिल्लाना विविध विकास प्रकल्पों पण करशे लोकार्पण अने शिलान्यास। कच्छ जिल्लामां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी बंदोबस्त। न्यायमूर्ति यूयू ललित आजे देशना मुख्य न्यायाधीशनो ग्रहण करशे कार्यभार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेवडावशे पद अने गोपनीयताना शपथ। राजकीय पार्टीओ द्वारा चूंटणीमां मफत सुविधाओनी घोषणाओ मामले विचारणा करवा सुप्रीम कोर्टे 3 जजोनी बेंचने रिफर कर्यो। केस न्यायिक समीक्षानी मर्यादाओ नक्की करशे नवी खंडपीठ। 4 सप्ताह बाद वधु सुनावणी। पूर प्रकोपने कारणे पाकिस्तानमां मृत्युआंक वधीने 937 ने पार। देशमां राष्ट्रीय कटोकटीनी जाहेरात। सौथी वधु वरसादग्रस्त सिंध प्रांतमां पूर अने भारे वरसादनी घटनाओमां सौथी वधु 306 नागरिकोना मौत। દેશના વિકાસનું ગ્રોથ એન્જિન બનેલા ગુજરાતમાં નિર્માણ પામ્યા છે 22 સાંસ્કૃતિક વન। કચ્છમાંથી કંચન બન્યું ગુજરાતનું સૌથી પહેલું જડેશ્વર વન। અમદાવાદના ઓઢવમાં ડમ્પિંગ સાઇટ ઉપર નિર્મિત સાંસ્કૃતિક વનમાં 2.85 લાખથી વધુ ફૂલ છોડ અને વૃક્ષોનું વૈવિધ્ય। 4.5 કિલોમીટર લાંબો છે વોકિંગ ટ્રેલ। ફીફાએ ભારતીય ફૂટબોલ સંઘ ઉપરથી હટાવ્યો પ્રતિબંધ। 17 મહિલા વિશ્વકપના આયોજન માટેનો માર્ગ મોકળો। 11 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે વર્લ્ડ કપ।